राजनांदगांव जिला पंचायत कार्यालय के निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल के निर्माण के समय एक मजदूर को करंट लग गई, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल मजदूर का इलाज जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। जिला पंचायत कार्यालय के निर्माणाधीन बाउंड्री वॉल निर्माण के समय एक मजदूर को करंट लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मजदूर को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां पर मजदूर का इलाज जारी है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जिले में चल रहे निर्माण कार्य में मजदूरों को बिना सुरक्षा के काम करना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा मजदूरों को उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के जिला पंचायत में बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य का है, जहां ठेके पर ठेकेदारों द्वारा काम कराया जा रहा है, जिसमें काम करते समय मजदूर संजय ठाकुर निवासी ग्राम सुंदरा दीवार से लगे ट्रांसफार्मर के क्रेन की चपेट में आ गया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं करंट लगने से अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में घायल मजदूर को जिला पंचायत के कर्मचारियों ने जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं इस निर्माण कार्य में ठेकेदार के द्वारा मजदूरों को सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया था, जिसके कारण यह घटना सामने आई। बहरहाल कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पंचायत में काम कर रहा हूँ, हाँ, और कालाम लच्छी ले रहा हूँ पानी, वहाँ से चीनी टकरा के करेंट में और गिर लटक गया। किसके साथ टकरा गया था? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के पास में ही काम कर रहे थे क्या? ट्रांसफार्मर के पास ही। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? संजय। कहाँ रहते हैं? सुंदरा। उसका अभी प्राइमरी इलाज चल रहा है, हालांकि यहाँ पर सब ठीक ओके है, उसका पल्स ठीक है, बीपी ठीक है, सब चीज़ ठीक है। वहाँ पर हम लोग सबके सब खड़े हुए थे, उसका ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर के सामने बाउंड्री वॉल थी, वहाँ उसका काम चल रहा था और उसका काम लगभग पूरा ही हो गया था। वो नीचे उतारने की जैसे ही कोशिश किया तो उसके हाथ में जो औजार थे उससे शायद वायर टच हुआ है, और हम सबके सब वहाँ होने के कारण क्या है, तुरंत हम उनको लेके हॉस्पिटल ले आए। हॉस्पिटल लाने के बाद उनका सब चीज़ इलाज जो है करवा रहे हैं, और डॉक्टर जितने भी डॉक्टर थे उनका चेकअप ऑलरेडी हो चुका है। उनका कहना ये है कि बीपी नर्व्स वगैरह सब चीज़ जो है वो ओके है, और बर्न हैं जो बर्न होते हैं बॉडी में वो बर्न है, और वो यहाँ पर सब चीज़ जो है डॉक्टर के उसमें ठीक हो जाएगा। मजदूर से मैंने बात किया, मजदूर का कहना है कि मेरा आज तक बीमा कुछ नहीं है, मैं काम कर रहा था वहाँ पर। ये क्योंकि ये दो दिन पहले ही मजदूर आया हुआ है, और ये जो मेरा मिस्त्री था उसके थ्रू आया हुआ है, ये मेरा परमानेंट नहीं था, क्योंकि क्या है बारिश का समय थे, लेबर नहीं आए, त्यौहार का है, तो वो अपने काम करवाने के लिए लेबर ले आया, ये मेरा परमानेंट लेबर नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी मतलब पूरा अभी तो जो भी इसका जो इलाज है, इवन मैं पर्ची भी रखा हूँ, इसका पर्ची कटवाया भी हूँ, गलती से लेके जो भी इलाज हो रहा है वो मैं करवा रहा हूँ। ये सर पर त्यौहार है, त्यौहार उस बेचारे का त्यौहार ही रह गया, आपका कहना क्या है? बात वो मेरा लेबर है तो आज त्यौहार उसी का नहीं, हमारा भी है, और जो भी ये डॉक्टर ने कहा दो तीन दिन में जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा। करके नाम बताइए अपना। प्रवीण दास। पूरा प्रवीण दास, राजनांदगांव। राजनांदगांव से सूर्यकांत यादव की रिपोर्ट, ACN 24।